हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन आवर्त सारणी में छठे नंबर पे आता है और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसे रासायनिक तत्व का संकेत सी है तथा परमाणु संख्या 6 है। इसकी मात्रा संख्या 12 है और इसका परमाणु भार 12 है। कार्बन के तीन प्राकृतिक समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13 एवं 6C14 होते हैं। कार्बन के समस्थानिकों के अनुपात को मापकर प्राचीन तथा पुरातात्विक अवशेषों की आयु मापी जाती है। कार्बन के परमाणुओं में कैंटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। इसके इस गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे अधिक है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके विविध गुणों वाले कई बहुरूप हैं, जिनमें हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला प्रमुख है। इसका एक अपर रूप हीरा है, जो कि बहुत ही कठोर होता है, और एक दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट, वह इतना मुलायम होता है कि इससे कागज पर हम लोग पेंसिल, जिसमें ग्रेफाइट का यूज होता है, हम उससे लिख भी सकते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है एवं ग्रेफाइट सुचालक होता है। इसके सभी अपर रूप सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं एवं वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन के बाद विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला यह तत्व विभिन्न रूपों में संसार के समस्त प्राणियों एवं पेड़ पौधों में उपस्थित है। यह सभी सजीवों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 18.5% होती है और इसको जीवन का रासायनिक आधार कहते हैं। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से आया है, जिसका अर्थ कोयला या चारकोल होता है। कार्बन की खोज प्रागैतिहासिक युग में हुई थी। कार्बन तत्व का ज्ञान विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं को भी था। चीन के लोग 5000 वर्ष पहले हीरे के बारे में जानते थे और रोम के लोग लकड़ी को मिट्टी के पिरामिड से ढककर चारकोल बनाते थे। लेवोजियर ने 1772 में अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया कि हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है एवं कोयले की ही तरह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन का बहुत ही उपयोगी बहुरूप फुलेरेन की खोज 1995 ईस्वी में राइस विद्यालय के प्रोफेसर R.E. इस्माइली तथा उनके सहकर्मियों ने की थी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1996 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कार्बन के असंख्य यौगिक हैं, जिन्हें कार्बन के रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और कार्बन के कुछ अकार्बनिक यौगिक हैं। यद्यपि कार्बन के यौगिकों का वर्णन कार्बनिक रसायन का मुख्य विषय है, किंतु अकार्बनिक रसायन में कार्बन के ऑक्साइडों तथा कार्बन डाइसल्फाइड का वर्णन किया जाता है। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के तीन ऑक्साइड अभी तक ज्ञात है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 लिखते हैं। ये दोनों गैसें हैं और एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कार्बन ऑक्साइड C3O3 या ट्राई कार्बन ऑक्साइड। यह एक अरुचिकर गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रंगहीन गंधहीन गैस है, जो जल के अतिरिक्त एसीटोन तथा एथेनॉल में भी विलेय है। यह वायुमंडल में 0.03% तक आयतन के अनुसार पाई जाती है और पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय आत्मसात कर ली जाती है। इसे धातु कार्बोनेटों पर अम्ल की क्रिया द्वारा भारी धातु कार्बोनेटों को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। उच्च ताप पर द्रवीभूत होती है। प्रयोगशाला में संगमरमर पर HHCl की क्रिया द्वारा निर्मित CCO3+ 2HHCl- CHCl2 + H2O + CO2 इसका अणु रैखिक है, अतः इसके संरचना O=C डबल बॉन्ड O है। यह दहन में सहायक नहीं है। जल में विलयित होकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। आवर्त सारणी में कार्बन व कार्बन समूह
का स्थान सिक्स नंबर पे आता है। तो दोस्तों ये थे कुछ जानकारी कार्बन के बारे में। केमिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम पीरियोडिक टेबल के सारे तत्वों की एक सीरीज ला रहे हैं, जिसको पाने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जानकारी प्राप्त करिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।